हे एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कंप्यूटर कोर्स के बारे में, जो कि अगर आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं या फिर RSCIT करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आपको इसके बारे में धीरे धीरे करके सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं बेसिक नॉलेज। जैसे कि आपको पता होगा कि ये है हमारा कीबोर्ड, ठीक है, और अगर आप मैक चलाते हैं तो आपका कीबोर्ड कुछ इस तरह का होगा और दूसरा वाला जो है विंडो का, और इसको तो आप जानते ही होंगे, ये है हमारा कैबिनेट। वैसे तो CPU भी बोलते हैं इसको, पर कैबिनेट इसी को कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं हम इसको जो स्क्रीन आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, ये हमारा डेस्कटॉप, और इस पे जो ये फोटो आती है इसको हम बोलते हैं वॉलपेपर, क्योंकि बेसिक नॉलेज है जो कि सबको पता होगी और पता होनी भी चाहिए। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। ठीक है, तो हम आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। जो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैक 2011 का है, तो इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको फॉन्ट बता देता हूँ। ये है फर्स्ट वाला, ये है लैंग्वेज के लिए। ठीक है, और अगर आप विंडो चलाते हैं तो आपके इसमें बाई डिफ़ॉल्ट होगा कैलिबरी। ठीक है, और अगर आप RSCIT एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि बाई डिफ़ॉल्ट विंडो में कौन सी लैंग्वेज रहती है, तो वो कैलिबरी होगी। ठीक है, तो मैं आपको इसका बताता हूँ, मैं 1 मिनट में यहाँ कुछ लिख लेता हूँ। ये लीजिए दोस्तों, ये लिख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको कमांड दे करके सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल, या अगर आप विंडो चलाते हो तो आपको कंट्रोल ले करके इसको सारे को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद आपको बताता हूँ, ये देखिए, यहाँ से हम इसका थोड़ा सा लैंग्वेज का चेंज कर सकते हैं, स्टाइल देख लीजिए अगर हमें ऐसा करना है और हम चाहते हैं कुछ इस तरह का देखना है तो ये इसको कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे हैं, आपको जो पसंद है आप उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, पर बाई डिफ़ॉल्ट जो रहता है विंडो में वो जे वाला है कैलिबरी। ठीक है, और इसके बाद ये देखना है जो 12 12 लिखा हुआ है, तो जी है हम इसका साइज बढ़ाने के लिए। ये देखिए, जैसे कि अभी 12 है तो हम इसको 20 कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं साइज। उसके बाद हम इसको 72 तक कर सकते हैं, देखिए, और जो 12 तक नॉर्मल रहता है, और इसको हम स्टेप स्टेप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे करके बढ़ेगा स्टेप बाय स्टेप, और कम भी करना है स्टेप बाय स्टेप तो ऐसा होगा। ठीक है, और एक साथ करना है तो हम इसमें से करेंगे कोई सा चूज करके। उसके बाद आ गया जे वाला, देखिए इसमें जे दिए हुए हैं फंक्शन। ठीक है, 5 फंक्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है सेंटेंस केस, मतलब कि इसमें इस तरह लिखा हुआ है जैसे कि सेंटेंस में लिखा होता है। इस समय ये देखिए सेंटेंस में ही सिलेक्ट है, मान लीजिए कि हमें इसको लोअर केस करना है तो इस सिचुएशन में सभी लोअर हो जाएंगे। ये देखिए सभी लोअर हो गए, और अगर हम चाहते हैं कि सभी अपर हो जाएं तो इसमें से सब अपर सेलेक्ट कर लेंगे। ये लीजिए, और इसमें टाइटल केस भी है, ये यानी कि फर्स्ट वाला कैपिटल होगा, उसके बाद जितने भी उस पैराग्राफ में आप लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में आ जाएगा। और उसके बाद आ गया ये टोंगल केस। टोंगल केस में जैसे कि आप वहाँ देख सकते हैं फर्स्ट वाला स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल, तो इसका इस्तेमाल तो नहीं होता कहीं पे खास, पर फिर भी उन्होंने दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, तो हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट वाला हो गया स्मॉल, बाकी सब लार्ज हो गए। ठीक है, तो अभी तो हम इसको सेंटेंस केस में रहने देते हैं जो कि पहले था। उसके बाद जाते हैं जी, ये बी लिखा हुआ है, इसका मतलब बोल्ड, यानी कि लैंग्वेज का है। देख के अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं हाईलाइट हो गया। उसके बाद सेकंड, जिसमें आई लिखा हुआ है, इसका मतलब है इटालियन, ये भी एक लैंग्वेज का ही है, जिसको हम थोड़ा सा देखिए इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद है यू, आप देख सकते हैं वहाँ पे यू के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो यही से बात है, इसका मतलब हो गया अंडरलाइन करने के लिए। अगर हमें इसको अंडरलाइन करना है तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ये देखिए, और मान लीजिए हमें इसको डबल अंडरलाइन करना है तो इसमें जाके हम सेलेक्ट कर सकते हैं हमें कौन सा चाहिए। जैसे कि डबल अंडरलाइन हो गया,
डॉट डॉट चाहिए तो इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे जो छोटा सा एरो बना हुआ है ये है फंक्शन के लिए कि उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। ये देखिए इस तरह का चाहिए, इस तरह का मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम अंडरलाइन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आ गया, हमें हटाना है तो हम इस पर दोबारा क्लिक कर देंगे, ये हट जाएगा। उसके बाद ये आ गया जिसमें ए बी सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें स्ट्राइक थ्रू लिखा हुआ है नाम इसका, तो हम इसको बताएंगे आपको, 1 मिनट रुकिए। मान लीजिए हमने ये लिखा हुआ है, 1 मिनट, ये हमने कंप्यूटर लिख दिया। तो हम इसको कटा हुआ दिखाना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये सेलेक्ट कर लिया हम, अब इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं इसके बीच में लाइन आ गई है एक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके नीचे लाइन आ चुकी है। तो ऐसे हम इसको क्लिक करके इसको हटा भी सकते हैं। उसके लिए पहले हमको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट किया ये हट गया और ये आ गया, ठीक है। इसका कोई खास इस्तेमाल नहीं है, पर फिर भी उन्होंने दिया हुआ फंक्शन तो हमको देख लेना चाहिए। उसके बाद आ गया ये ए स्क्वायर टाइप दिया हुआ है कि नीचे ए लिखा है ऊपर 2 लिखा हुआ है। तो हम इसका आपको बताते हैं कि मान लीजिए हमें 12th लिखना है, जिएगा 12th, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो कुछ लोग ऐसे समझ जाएंगे क्या लिखा है। तो मान लीजिए हमें इस तरह से दिखाना है तो हमें इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ऊपर आ गया। इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, 1 मिनट, इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तो इस तरह से आएगा 12th। मान लीजिए मुझे अब इसको ऊपर लेके जाना है TH को, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ऊपर चला जाएगा 12th। ऐसा ही सेकेंड वाला आपको दिख रहा है, आप समझ गए होंगे कि इसी तरह अगर हम इसको नीचे लेना चाहते हैं तो सेकेंड वाले पर कर देंगे, ये लीजिए नीचे आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप ये लोग समझ चुके होंगे। और इसके बाद जी आइए इस सेकेंड वाले, इसके बाद फॉन्ट कलर, यानी कि आप समझ गए होंगे कलर के लिए है, ठीक है। तो मान लीजिए हमें कोई सा कलर सेलेक्ट करना है, इसको चेंज करना है, तो हम इसमें कलर कर सकते हैं, हमें ये चाहिए। जो भी कलर आपको पसंद है उस कलर में आप अपना डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है, कोई सा भी आपको ये पसंद है उसमें आप इसको लिख सकते हैं। बाई डिफॉल्ट ये भी ब्लैक में रहता है। और इसके बाद मान लीजिए ये है, अब मुझे इसको पूरे को हाईलाइट करना है, तो मैं इसमें आ जाऊंगा, देखिए टेस्ट हाइलाइट्स कलर, तो इसके करके मैं इसको कर दूंगा पूरी ये येलो में हो गई। और चाहता हूँ मैं येलो में नहीं चाहिए, तो जो सा चाहिए उसमें जी शिफ्ट हो जाएगी। उसके लिए आपको सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करके वहाँ पे जाएंगे आप, हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ऐसे चाहते हैं इस पर क्लिक करके, तो मैं इसको भी चाहूँ तो कर सकता हूँ, ये देखिए। तो इसको एक तरह का पेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस जिस वर्ड को करना चाहें, ठीक है। जब हटाना हो तो यहाँ से क्लिक कर दो और ये नन कर देना, ठीक है। और उसके बाद अब आ गया जे वाला जो कि ए दिया हुआ है। तो मैं आपको, ये भी एक टेक्स्ट इफेक्ट है, जैसे कि 1 मिनट नन हो गया, जैसे मान लीजिए मैंने कंप्यूटर लिख दिया यहाँ, तो लिखा मैंने COMPUTER कंप्यूटर, ठीक है। और मैं चाहता हूँ इसको सबसे पहले कुछ भी करना है आपको, तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर आता हूँ, मैं चाहता हूँ इस तरह का दिख जाए, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये देखिए इस तरह का हो गया। मैं चाहता हूँ थोड़ा बड़ा करना है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था इसे स्टेप बाय स्टेप बड़ा होगा, और इसमें से हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई हमें इसको शेडो देना है, ठीक है, शेडो तो उसमें दिया हुआ है वैसे भी, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं जो हमें पसंद है उसमें, ठीक है। यानी कि ये भी एक फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है। तो उसमें ये फॉन्ट आपके कवर हो गए। तो अगर आप विंडो चला रहे हैं तो उसमें थोड़े से फंक्शन थोड़े आगे पीछे होंगे, पर लगभग यही फंक्शन आपको सब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मिलेंगे। पर हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे मिले, अगर आप पढ़ के करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सब यही है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं फॉन्ट आपके कवर हो गए, अब है पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ ये देख लीजिए, ये दिया हुआ है सबसे पहले, ये दिया हुआ है। मान लीजिए मुझे इसमें कुछ मैं दिख रहा हूँ, एक मिनट मुझे छोटा करना पड़ेगा जी।
ठीक है जी दे दिया। अब मुझे इसको नंबर देने हैं, तो सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए तीन पैराग्राफ से तीन में डॉट डॉट आ गया, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ डॉट डॉट नहीं चाहिए, 1 2 3 चाहिए, तो इस पर कर दूंगा, 1 2 3 आ गया। और उसके बाद मुझे चाहिए बराबर, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये डो का ओ जी डॉट बाहर निकला हुआ है, यहाँ भी बाहर यहाँ भी ना बाहर, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जिस तरह से बराबर है वैसे ही, अगर यहाँ पे बराबर करना है तो इस पर हम जे वाला कर देंगे, ठीक है। जस्टिफाई टेस्ट, ठीक है, जस्टिफाई करने से वैसे हो जाएगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ जैसे लाइन यहाँ से शुरू हो रही है लास्ट वाली, और अगर मुझे यहाँ से ख़त्म होती चाहिए तो मैं इस वाले पे कर दूँगा, एल्केन टेस्ट। ये देखिए इसका भी कोई खास उपयोग नहीं होता, जस्टिफाई थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। और उसके बाद आ गया ये सेंटर टेस्ट, ये देखिए जो एक्स्ट्रा लाइन हमारी आती थी इसको सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो बाई डिफ़ॉल्ट रहता है वो ये वाला है, ठीक है, जैसे अभी लिखा हुआ है जो बाई डिफ़ॉल्ट है, पर इसमें हम जस्टिफाई का ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं इनकी स्पेस लाइन के, देखिए जैसे ये पैराग्राफ है, ये करके जाता हूँ मैं आपको। अगर इसमें मुझे थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए, इस समय 1.0 तो मैं चाहता हूँ 3.0 हो जाए, ऐसे कर देंगे। ये देखिए बीच में गैप ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अब अगर मुझे कम करना है, ये देखिए थोड़ा और कम हो जाएगा, बाई डिफ़ॉल्ट वाला करना है तो मैं 1.0 कर दूंगा, ठीक है। तो विंडो में ज़्यादातर 1.15 भी रहता है बाई डिफ़ॉल्ट, तो मैं क्या इसके अंदर 1.0 है बाई डिफ़ॉल्ट, ठीक है। उसके बाद आ गया जे वाला पैराग्राफ, लीजिए मैं आपको इस सेलेक्ट करके देता हूँ। ये देखिए अगर मैं इसको करता हूँ जे आ गया, ठीक है, यहाँ से शुरू हो गया। मुझे अगर ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है और इसमें दूसरा चाहिए, ये आ गया, ठीक है, ये कुछ लिखा और यानी कि अगर हम इसको नीचे का टेस्ट हटा देंगे तो ये ऑटोमेटिक सेकंड थर्ड फोर्थ करता जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये वाला है, इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह से हो रहा है, ठीक है। हेडिंग देनी, मान लो फर्स्ट का ए करना है तो इसको सेलेक्ट कर देंगे, और हमें अगर इस तरह से नहीं इस तरह डॉट डॉट देने हैं तो इसको भी देख सकें, ये भी इसके अंदर पैराग्राफ के लिए है। बेसिकली पैराग्राफ हम क्या क्या कर सकते हैं उन सब के लिए जो है, ठीक है। उसके बाद जो है कि उसके बाद ये मान लीजिए मैंने पूरा सेलेक्ट कर दिया पैराग्राफ, मैं चाहता हूँ ये दो हिस्सों में बट जाए, अलग अलग हो जाए, तो ये देखिए एक हिस्सा इधर आ गया एक इधर आ गया, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ ये थ्री में हो जाए, ये देखिए थ्री में हो गया, तो जी आ गया स्प्लिट टेस्ट इनटू कॉलम्स, ठीक है, जो पैराग्राफ के अंदर है। और इसको हम वन कर देंगे क्योंकि हमें वन की ही ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो गाइस होपफुल आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, और जे मेरी फर्स्ट वीडियो, तो यू शुड लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।